नमस्कार दोस्तों, फरीदाबाद का राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कभी फरीदाबाद की शान हुआ करता था। हमारा सर गर्व से ऊंचा रहता था जब यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होते थे। जब दुनिया की क्रिकेट टीमें यहां पर आकर मैच खेलती थी तो यहां की रौनक देखते ही बनती थी। फरीदाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन होता था, लेकिन आज राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की हालत देखकर हमें शर्म आती है। हमें शर्म राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम पर नहीं आती, हमें शर्म आती है हरियाणा की नकारा सरकारों पर, फरीदाबाद के नकारा और निकम्मे विधायकों और नेताओं पर। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की वीडियो। मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ, इसकी हालत कैसी है आप देख रहे होंगे। बिल्कुल दयनीय हालत में ये स्टेडियम दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए, कभी इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इसकी हालत देखिए आप लोग कितनी बुरी है। यहाँ पर अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो उसको चोट लगने की संभावना है। ये पीछे का कपिल पवेलियन आप लोग देखिए कितनी बुरी हालत है। कभी साफ सफाई नहीं होती, कभी घासों की कटाई नहीं होती, ऐसा लग रहा है कोई जंगल है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए किस तरह से इसकी हालत दिख रही है। ये पीछे का भाग है कपिल पवेलियन। वैसे तो ये सबसे VIP एरिया है कपिल पवेलियन, लेकिन इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। आप लोग आगे देखेंगे किस तरह से इसका सत्यानाश कर दिया गया है। देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर। ये उस साइड आपको स्विमिंग पूल दिख रहा होगा उस साइड, जहाँ पर कभी लोग स्नान करने आते थे और कुछ कमाई भी होती थी हरियाणा सरकार की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देखिए किस तरह से इसकी हालत बनाई गई है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे नेट, यहाँ पर नेट प्रैक्टिस होती थी, जो इंटरनेशनल प्लेयर होते थे यहाँ पर नेट प्रैक्टिस करते थे, लेकिन ये बिल्कुल वीरान लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी जंगल में हम आ गए हैं। यहाँ पर ना तो कोई खिलाड़ी है और ना तो कोई खेल है, ना खेल है ना खिलाड़ी है। बहुत ही बुरी हालत में ये स्टेडियम इस वक्त है। शर्म आती है देखकर, खून जलता है देखकर इसकी बुरी हालत। कौन है इसका जिम्मेदार? मैंने आज सुबह इस स्टेडियम का दौरा किया, पूरी वीडियो बनाई, और मैं चाहता हूं सरकार इसे देखे। फरीदाबाद के जो नकारा नेता हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वादे तो कर दिए लेकिन कुछ किया नहीं। आप लोग देखिए ये किस तरह से यहां पर खंडहर बना दिया गया। इसको मैं अंदर की फ़ोटो आपको वीडियो दिखा रहा हूं। आज मैं गया था खुद इसका दौरा किया, ये देखिए अंदर क्या हालत बना दी गई है, कितनी गंदगी है यहाँ पर। यहाँ पर रात में कोई आपराधिक वारदात भी हो सकती है। देखिए कितनी बुरी हालत बना दी गई है। ये दोस्तों स्टेडियम है राजा नाहर सिंह, जो कभी फरीदाबाद की शान हुआ करता था, फरीदाबाद का गौरव। देखिए कितना जंग लग गया है गेटों पर। ये ना सिर्फ स्टेडियम को खंडहर बनाया गया है, सरकारी पैसों की बर्बादी भी की गई है। देखिए गेट की क्या हालत हो गई है, इसको पूरी तरह मुझे लगता है बर्बाद कर दिया गया है नकारा और निकम्मी सरकारों द्वारा। इसमें एक ही सरकार का दोष नहीं है, इससे पहले जो सरकारें थीं उनका भी दोष है। अगर उन्होंने भी इस स्टेडियम पर ध्यान दिया होता तो आज इसकी ऐसी हालत ना होती। देखिए ये खंडहर हो चुका है दोस्तों पूरी तरह से। यहाँ पर न खेल होता है न खिलाड़ी दिखते हैं, लेकिन ये हमारे मुख्यमंत्री प्राइवेट ग्राउंड का उद्घाटन करने चले आते हैं हरियाणा चंडीगढ़ से, लेकिन यहाँ पर नहीं जाते। देखिए एसी है, ये एसी है, इसमें जंग लग गया है, ये सड़ गया है। ये दूसरा एसी देखिए, जंग लग गया है, सड़ गया है, ये पैसे की बर्बादी हुई है। फिर से एसी खरीदे जाएंगे, फिर से सरकारी बजट खर्च होगा। ये पैसा जनता का होता है, ये जनता का नुकसान है। बार बार पैसे लगाएंगे तो जनता का ही नुकसान है। आप लोग
देखिए किस तरह से थोड़ा ऊपर चलकर देखते हैं, ऊपर कैसा हाल है इसका। देखिए ना सफाई होती है ना गंदगी उठाई जाती है। देखिए कितना गंदा है ये। एक कपिल पवेलियन है, कपिल जो हमारे महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप दिलाया था 1983 में, ये उनके नाम से पवेलियन बना, लेकिन इसका भी सत्यानाश कर दिया गया। देखिए कितनी गंदगी है। गेट बंद है लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर क्या हाल है। आपको हंसी आएगी। देखिए ये कूड़ा कबाड़ा रख दिया गया है कपिल पवेलियन के अंदर। यहाँ से वीआईपी एंट्री होती थी, जो वीआईपी होते हैं वीवीआईपी यहाँ से एंट्री करते थे, लेकिन इसकी हालत तो कबाड़ी मार्केट जैसी बना दी गई है। देखिए दोस्तों, आपने शायद पीछे का व्यू नहीं देखा होगा, मैं आज आपको पीछे का व्यू, ये स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है, सूखा हुआ है। अभी हम स्टेडियम के अंदर भी चलेंगे, वहाँ की हालत भी आप लोगों को दिखाएंगे, स्टेडियम के अंदर क्या हालत है, किस तरह से स्टेडियम को बर्बाद कर दिया गया। ये फ्रंट व्यू है, यहाँ से मेन गेट है, एंट्री होती है। थोड़ा सा यहाँ पर रोड वगैरह बनाए जा रहे हैं, हो सकता है आगे स्टेडियम के अच्छे दिन आ जाएं, लेकिन फिलहाल अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। अभी इसे इसके ही हाल पर छोड़ा गया है। अब हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे, देखेंगे अंदर क्या हाल है। गेट से हम इंटर कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों, यहाँ पर ना खेल है ना खिलाड़ी है। देखिए पूरा स्टेडियम खाली पड़ा है, कोई खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करता हुआ नहीं दिख रहा, ना तो कोई मैच हो रहा है। पहले यहाँ पर मैच होते रहते थे, लेकिन स्टेडियम की ऐसी हालत कर दी गई अब यहाँ पर मैच भी नहीं होते, और अगर कोई खेलता भी है तो उसको चोट लग जाती है, क्योंकि इसे हेलीकॉप्टर लैंड बना दिया, लैंडिंग पॉइंट बना दिया गया है। वीआईपी लोग होते हैं, उनके हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करते हैं, फिर वे कारों में बैठकर यहाँ से निकलते हैं। तो ये हालत हो गई है हमारे नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड फरीदाबाद की। बहुत ही शर्मनाक है, नेताओं पर शर्म आती है। अगर ये ग्राउंड अगर सही सलामत होता, हरा भरा होता, तो यहाँ पर इंटरनेशनल मैच होते और उनसे बहुत ज़्यादा कमाई होती है हमारे फरीदाबाद की, हमारी भारत सरकार की बहुत ज़्यादा आमदनी होती है, रेवेन्यू आता है, लेकिन हमारे नेताओं का इस पर ध्यान ही नहीं है, हमारी सरकारों का इस पर ध्यान ही नहीं है। ये लोग राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम को भूल गए हैं, लेकिन प्राइवेट ग्राउंड का प्रमोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद चले आए चंडीगढ़ से एक प्राइवेट ग्राउंड का उद्घाटन करने के लिए। खैर ग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं है, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा, नए नए लोग आएंगे क्रिकेट में, लेकिन कम से कम जो हमारा इंटरनेशनल ग्राउंड है जिसकी वजह से हमारी आमदनी होती थी, हम प्राउड होता था, कम से कम उसकी हालत भी तो सुधारी जाए। वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि सरकार का ध्यान इस तरफ जाए।